फ्रेंड्स, मैंने अपने इस चैनल पे जियो एयर फाइबर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे हमारे घर पे जियो एयर फाइबर कनेक्शन लगेगा, कहाँ पर लगेगा, कितने प्राइस का लगेगा। लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, क्योंकि रिचार्ज प्लान्स पहले 3 मंथ्स वाला नहीं था, लेकिन अब आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स वाला प्लान मिल रहा है। एंड कितने कितने रुपए का मिलेगा, कैसे लगेगा, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी नए प्लान्स आए हैं, जितनी भी नए तरीके से लगेगा आपके घर पे, सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जियो एयर फाइबर कहाँ लगता है और किस किस के घर पर लग सकता है। अब फ्रेंड्स, अगर आप सिटी एरिया के लगभग 5-10 किलोमीटर के अंदर रहते हैं तो आपके घर पे बहुत इजीली जियो एयर फाइबर कनेक्शन लग जाएगा, क्योंकि लगभग 10 किलोमीटर का जो एरिया है उतने एरिया में लगभग जियो एयर फाइबर कनेक्शन अभी लगाए जा रहे हैं। और जो भी बाहर का एरिया है, जो शहर से थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, वहाँ पर जियो एयर फाइबर कनेक्शन की फैसिलिटी अभी शुरू नहीं हुई है। कह दें कि गांव में अगर लग जाए तो गांव में लगना मुश्किल है अभी, तो क्योंकि आपके नियर बाई अगर देखिए शहर है, गांव आपका शहर में थोड़ा सा पास में है, तो आपके घर पे हो सकता है जियो एयर फाइबर कनेक्शन लग जाए। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो तो आपको जियो ऑफिस में जाने के बाद ही पता लग पाएगा कि आपके यहाँ पर कनेक्शन लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो ये सब पता करने के लिए आपके जो नियर बाई जियो स्टोर है, जियो ऑफिसेज हैं, वहाँ पर जाके आप मालूम कर सकते हैं। एंड अगर कनेक्शन लग जाए तो आप वहाँ से बुक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ जियो एयर फाइबर में कितने डिवाइसेज लगते हैं। देखिए, जियो एयर फाइबर में 3 डिवाइसेज लगते हैं। एक तो आपकी छत पे लगता है, जो कि आपका जो नेटवर्क है, आपके जो सिग्नल्स हैं फ़ोन के, उनको लेके नीचे तक आता है। एंड जो सिग्नल नीचे तक आएंगे वो आपके वाईफाई राउटर तक आते हैं। एंड वो वाईफाई राउटर से फिर आपके जो टीवी का सेटअप बॉक्स है वहाँ तक जाते हैं, आपके मोबाइल फोन्स तक जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। देखिए, एक सेटअप बॉक्स लगेगा जो कि टीवी में कनेक्टेड रहेगा, चाहे आप उसे ईथरनेट केबल से कनेक्ट करिए, चाहे आप उसे वाईफाई का पासवर्ड डाल के कनेक्ट करिए। लगभग 15 मीटर की डिस्टेंस होती है, 15 मीटर तक आप टीवी कहीं भी लगा लीजिए, चाहे राउटर कहीं भी लगा लीजिए, आपका बहुत ईजिली स्मूथली इंटरनेट चलता रहेगा, आपके सारे टीवी चैनल्स चलते रहेंगे। एंड 15 मीटर के दूर पे थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, थोड़ी सी बफरिंग ज़्यादा होगी, नेटवर्क कम पकड़ता है, क्योंकि दूर काफ़ी हो जाता है। एंड टीवी में थोड़ा सा नेटवर्क कहीं ना कहीं ज़्यादा चाहिए होता है। एंड देखिए, 15 मीटर के दायरे में आप फोन्स वगैरह चलाते हैं तो बहुत ईजिली चला पाएंगे। एंड जो डिवाइस हमारी छत पे लगा हुआ होता है, उसका जो फेस रहता है वो टावर की तरफ रहता है। टावर आपके नियर बाई लगा होना चाहिए, लगभग 500 मीटर की डिस्टेंस पे, लगभग 500 मीटर आपके घर से सामने दिखना चाहिए कि मोबाइल टावर लगा हुआ है। अगर टावर लगा होगा तो उसका जो फेस होगा, जो छत पे आपकी डिवाइस लगाई जाएगी, उसका फेस टावर की तरफ रहता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो कनेक्शन ये आप देख रहे हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल लगवाया था, 1 साल का प्लान लिया था। अभी मैं सारा कुछ इसके बारे में भी बात करूंगा, इसका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा चल रहा है हमारा इंटरनेट। तो टावर की डायरेक्शन में इसका फेस रहता है, एंड टावर से डायरेक्ट कनेक्टेड रह के ये हमारे लिए इंटरनेट देता है। अब बात करते हैं कि मेरे घर पे लगा है तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा अब तक। लगभग 4 महीने का टाइम हो चुका है, 4 महीने पहले मैंने लगवाया था, एंड 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, जो मैंने कनेक्शन लगवाया था वो मेरा कनेक्शन था 8482 रुपये का। 8482 वाला जो मेरा प्लान है वो 1 साल का प्लान है, जिसमें मेरे लिए 13 OTT ऐप्स मिले हैं। Amazon Netflix में ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमने नहीं लिया था इस प्लान में। 13 OTT ऐप्स के साथ में हमारे लिए 1000 GB का डाटा पर मंथ मिलता है, मतलब 1000 GB का डाटा हमारा पर मंथ मिलता है। अगर वो ख़त्म हो जाता है बाई चांस, तो हमारे लिए रिचार्ज प्लान्स भी जियो ने रखे हुए हैं। आप 401 रुपये से रिचार्ज कर सकते हैं, 401 रुपये में आपको 1000 GB का और डाटा मिल जाएगा, जो कि आपका प्लान की वैलिडिटी जब तक है तब तक वो डाटा चलता है आपका। तो रिचार्ज प्लान्स तो सस्ते हैं, लेकिन डेटा यहाँ पर थोड़ा सा कम है। कहीं ना कहीं जियो को इसमें अपडेट करना चाहिए, जो 1000 GB का डाटा है वो कहीं ना कहीं आपको लगभग 1500 या 2000 GB तो कम से कम देना चाहिए, क्योंकि आजकल घर में बहुत ज़्यादा फ़ोन्स टीवीज यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे घर पे जो 1000 GB का डाटा मिलता है, उसमें देखिए मेरा टीवी भी बहुत अच्छे से चलता रहता है, टीवी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, टीवी में हमने कोई भी ईथरनेट केबल कनेक्ट नहीं की है, लगभग 15 मीटर की डिस्टेंस पे टीवी लगा है। हल्की सी बफरिंग आती है 4-5 सेकंड की, लेकिन टीवी बहुत स्मूथली चलता रहता है। और फोन्स भी हमारे घर पे 6-7 यूज़ किए जाते हैं,
तब भी 300-400 जीबी डाटा हमारा बच जाता है। अगर आपका बाई चांस कम पड़ता है तो आप देखिए 401 वाला प्लान ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रायोरिटी आपको किस में रखनी है, जियो फाइबर में या जियो एयर फाइबर में। बाई चांस अगर आपके घर पे देखिए जो लाइन्स होते हैं जियो फाइबर के, जो पोल पे बॉक्सेस लगे होते हैं वो नहीं हैं, आपके घर के पास में जियो फाइबर कनेक्शन नहीं है, तो आप देखिए जियो एयर फाइबर को प्रायोरिटी रख सकते हैं। और आप अगर सिटी एरिया में रहते हैं जहाँ पर जियो फाइबर्स की लाइन्स पड़ी हुई हैं, तो आप देखिए प्रायोरिटी जियो फाइबर में रखिए। जियो फाइबर में आपको 3500 जीबी का डाटा पर मंथ मिलता है, आपको लैंडलाइन की सुविधा मिलती है, आप उससे PNT फ़ोन कनेक्ट करके बात कर सकते हैं, लेकिन जियो एयर फाइबर में ये फैसिलिटी अभी नहीं आ पाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ देखिए इसके रिचार्ज प्लान्स कितने कितने के हैं। पहले 3 मंथ वाला प्लान नहीं था, अब इसमें 3 मंथ वाला भी ऐड किया गया है। तो मैं पहले 30 Mbps वाले प्लान की बात कर रहा हूँ। जो 30 Mbps का प्लान है उसमें पर मंथ का जो हमारा रहता है वो 599 रुपये का रहता है, और एक प्लान है जिसमें 888 रुपये का रहता है। जो 888 वाला है उसमें हमें Amazon और Netflix का सब्सक्रिप्शन मिलता है, मतलब कि 13 OTT ऐप्स हमारे लिए वो मिलते हैं, उसके साथ में Amazon Prime हो गया, Netflix हो गया और Jio Cinema Prime भी हमें मिल जाता है। तो लगभग ये हमारे 16 OTT ऐप्स हो जाते हैं जो कि हमारे लिए 888 रुपये देने पड़ते हैं, और एक 599 वाला प्लान है। वहीं देखिए 100 Mbps वाला प्लान है, उसमें हमें 899 रुपये में 13 OTT ऐप्स मिलते हैं, स्पीड यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है। वहीं 1199 वाला प्लान है, उसमें हमें 16 OTT ऐप्स जिसमें Netflix, Amazon Prime और Jio Cinema Premium हमें मिल जाता है, उसमें हमें डिज्नी हॉटस्टार वगैरह मिल जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। एंड 3 मंथ्स का प्लान आप लेंगे तो देखिए 13 OTT ऐप्स वाला जो प्लान है 599 रुपये पर मंथ वाला, जिसमें 30 Mbps की स्पीड मिलेगी, तो 2121 रुपये का है, उसमें 1000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा जाएंगे इंस्टॉलेशन फीस। मतलब 3 महीने वाला कोई भी प्लान आप लें तो 3 महीने का जो भी प्लान आपका होगा उसमें 1000 रुपये इंस्टॉलेशन फीस जाएगी। 6 मंथ वाला जो प्लान है तो 599 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रुपये का बैठेगा 6 मंथ का, उसमें 500 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाएंगे इंस्टॉलेशन फीस। तो मेरा जो 30 Mbps वाला प्लान था 8482 रुपये का, वो 8482 का ही था, उसमें कोई भी 1000 रुपये नहीं गए थे, मतलब 1000 रुपये मेरे बच गए थे। पहले 6 मंथ वाले में 1000 रुपये जाते थे, लेकिन अब 6 मंथ वाले में 500 एंड 3 मंथ वाले में 1000 रुपये कर दिए हैं। तो ये जो लिस्ट है वो मैं लगा दूंगा अपने देखिए वीडियो के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए सूट करता है, कौन सा प्लान आप लेना चाहते हैं। और आपको बता दूं इंटरनेट बहुत अच्छे से चलता है, कभी कभी बाई चांस दिक्कत आ जाती है तो राउटर को ऑन ऑफ करिए 1-2 बार तो सही हो जाता है, तो कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से इजीली स्मूथली आपका सारा डेटा सारा कुछ चलता रहता है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी फ्रेंड्स अगर आपका कोई सवाल रहता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और फ्रेंड्स आपने अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।